Hello everyone, welcome back to our channel. Our today's chapter is about clothes. In this chapter, we will study about why do we need clothes, making of clothes, different types of fibers, okay, how clothes are made, and different types of clothes in different seasons, okay. So, let's get started. We wear different kinds of clothes. Okay, हम different तरह के clothes पहनते हैं. Clothes protect us from heat, cold, rain and dust. क्लोथ क्या करता है? हमें बचाता है, protect करता है. किस चीज़ से? Heat से, means गर्मी से, गर्म से, cold यानी ठंड से, rain यानी बारिश से, dust यानी धूल से. Okay, clothes also protect us from small injuries. छोटी छोटी injuries से भी बचाता है, छोटी छोटी तकलीफों से भी बचाता है, चोटों से बचाता है. Such as insect bites. जैसे कि कुछ कीड़े होते हैं जो हमें पता भी नहीं चलता, वो हमारे ऊपर चढ़ के हमें काट लेते हैं. ओके, तो वो क्लोथ्स जो होते हैं हमें उससे प्रोटेक्ट करता है. शाम के समय कई जगह मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो शाम के समय अगर आप फुल स्लीव क्लोथ पहन के फुल ट्राउजर, फुल शर्ट या फुल स्लीव्स की क्लोथ्स आप पहनोगे तो मच्छर आपको नहीं काट पाएंगे. ओके, एटलीस्ट मैक्सिमम ऑफ टाइम आपके जो कवर्ड पार्ट है उन पे तो वो नहीं काट पाएंगे. ठीक है, सो इंसेक्ट बाइट से बचाता है. फ्रॉम स्मॉल कट्स, ओके, छोटे छोटे कट से एक्सीडेंटली कई बार होता है कि शार्प ऑब्जेक्ट हमें लग जाते हैं, तो अगर क्लोथ्स होते हैं तो उनसे हम कई बार बच जाते हैं. ओके, वो जो शार्प ऑब्जेक्ट है वो क्लोथ्स पर लग के ही रह जाता है. ब्रूसेस मीन्स जो छिल जाता है हमें, वो उससे हमें बचाता है. कई बार हम एक्सीडेंटली वॉल पर जो होते हैं रगड़ खाते हुए चले जाते हैं, सो उससे हमें बचाता है क्लोथ्स. ठीक है, मेजर एक्सीडेंट्स, मेजर एक्सीडेंट्स के टाइम पर भी कई बार आपने सुना होगा और यू विल सी दैट क्लोथ्स जो गए फट गए. बट क्लोथ्स फट गए तो उससे जो बॉडी पार्ट है वो मेजर डैमेज से बच जाता है क्लोथ्स के कारण. ओके, सो क्लोथ्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर अस. सो योर क्वेश्चन कुड बी why do we need clothes? Okay, why do we need clothes? Okay, so your answer would be clothes protect us from heat, cold, rain and dust. Clothes also protect us from small injuries like insect bites, cuts and bruises. Okay, your answer would be this. Now next is making of clothes, means how clothes are made. How clothes are made. Okay. Cloth is made up of a material known as fiber. Cloth जो होता है वो एक material से बना होता है, एक substance से बना होता है जिसे हम fiber कहते हैं. Okay. The spelling could be F-I-B-R-E or F-I-B-E-R. Both the spellings are correct. Okay. F-I-B-R-E. The spelling is used in British English. British English. Okay. British English mein ye spelling use hota hai. And F-I-B-E-R is used in American English. Okay, in American English. So both the spellings are correct. In India, schools follow British English due to our history. So we will use, you can use the spelling F-I-B-R-E or you can use the spelling F-I-B-E-R. Both are correct. Okay, so don't get confused. So now what are fiber? Fibers are thin hair-like threads. Fiber क्या है? एक पतले धागे की तरह है, एकदम बाल के जितने पतले धागे की तरह होता है. दैट आर वोवन इन टू क्लोथ, जिनको एक कपड़े के रूप में बनाया जाता है. ओके, कपड़े मीन्स आपका रेडीमेड क्लोथ, जैसे आपके शर्ट पैंट डायरेक्टली वैसे नहीं बनते, फाइबर से नहीं बनते. आपका क्या होता है, सपोर्ट एक पतला सा थ्रेड लाइक होता है, इसको क्या करते हैं, उसको एक में मिला करके बना दिया जाता है कपड़ा जैसा. ठीक है, जिसे हम क्लोथ पीस बोलते हैं, एक क्लोथ के कपड़ा जैसा बनाया गया था. फिर इससे जो होता है, इससे डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स बनते हैं. ओके, जस्ट लाइक टी शर्ट्स, आपके टी शर्ट्स बन जाते हैं. ठीक है, आपके कुछ भी बन सकते हैं.
तो ये हो गया आपका क्लोथ मेड फ्रॉम फाइबर. ओके, फर्स्ट टाइम का क्लोथ ऐसे बनता है फाइबर से. द क्लोथ इन देन यूज टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ. ओके, फिर ये जो क्लोथ होता है वो डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ बनने में यूज होता है. ओके, अंडरस्टूड. नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर. ओके, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर. ओके, टू टाइप्स ऑफ फाइबर, नेचुरल फाइबर एंड मैनमेड फाइबर. ओके, नेचुरल मीन्स अगेन गॉड गिफ्टेड. वी हैव स्टडीड इट सेवरल टाइम्स. गॉड गिफ्टेड नेचुरल मीन्स गॉड गिफ्टेड. मैनमेड मीन्स क्रिएटेड और मेड बाय ह्यूमन. ओके, मेड बाय मैन मीन्स इट डजंट मीन जेंडर, इट मीन्स ह्यूमन. ओके, नाउ फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट नेचुरल फाइबर. फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज नेचुरल फाइबर. जो फाइबर हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल फाइबर कहते हैं. ठीक है, वी गेट कॉटन एंड जूट फाइबर फ्रॉम प्लांट्स. प्लांट्स से हमें कौन कौन से फाइबर मिलते हैं, हमें कॉटन मिलता है और जूट मिलता है. ठीक है, द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट गिव अस कॉटन फाइबर. ओके, जो कॉटन प्लांट का जो फ्रूट होता है वो हमें कॉटन फाइबर देता है. एंड वी गेट जूट फाइबर फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट. और जूट के स्टेम से हमें क्या मिलता है, जूट फाइबर मिलता है. ठीक है, वी विल लुक एट द इमेज देन यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर. दिस वन इज कॉटन प्लांट एंड दिस इज कॉटन फ्रूट. ओके, दिस इज कॉटन फ्रूट. ओके, दिस इज कॉटन फ्रूट. इसी में से निकलता है थिन लाइक थ्रेड टाइप, ये जो होता है इससे फाइबर मिलता है. ओके, देन इट टर्न्स इनटू अ क्लोथ. ओके, cotton cloth, and then it is then used to make different types of clothes such as t-shirt. okay, so this is the process of cotton cloth. now next is, this is jute plant. okay, from jute stem we get this jute fiber. this is jute fiber. ye kya jute fiber hai, and this is jute plant. ओके, इससे हमें क्या मिलता है, जूट प्लांट से हमें जूट फाइबर मिलता है. एंड देन दैट फाइबर इज यूज्ड टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स सच एज जूट बैग्स. ओके, दिस इज आल्सो बिग बैग और पैकेजिंग बैग्स, यू कैन सी. ओके, बिग बैग्स और पैकेजिंग बैग्स. जूट रोप्स, दिस इज जूट रोप. ओके, ये पहले काफी देखने को मिलता था. बिफोर प्लास्टिक रोप्स वी यूज टू यूज जूट रोप्स. प्लास्टिक रोप्स आने से पहले हम क्या करते थे, हम जूट रोप को ही यूज करते थे. आपने कई बार देखा होगा. ओके, अपने आसपास. सो दीज आर थिंग्स मेड फ्रॉम जूट. नाउ फाइबर वी गेट फ्रॉम एनिमल्स. ओके, दिस वॉज द फाइबर वी get from animals. okay, we get wool and silk fiber from animals. animals से हमें कौन कौन से fibers मिलते हैं, हमें मिलते हैं wool मिलता है, ऊन and silk. okay, the fur of animals such as sheep, rabbit and goat are used to get wool. okay, एनिमल्स के फर को यूज किया जाता है वूल बनाने के लिए. द फेमस वन इज शीप, बट रैबिट फर एंड गोट फर आर ऑल्सो यूज. सिल्क वॉर्म गिव्स अस सिल्क. सिल्क वॉर्म एक इंसेक्ट होता है, एक कीड़ा होता है जिससे हमें सिल्क मिलता है. ओके, सिल्क क्या है, सिल्क फाइबर इज अ शाइनी एंड ब्यूटीफुल फाइबर. सिल्क फाइबर क्या होता है, एक बहुत ही शाइनी चमकदार होता है और बहुत ही सुंदर दिखता है. ओके, वी विल लुक एट द इमेज ऑफ बोथ ऑफ दिस. So this is sheep. Okay, this is sheep, and this is a wool is taking out from sheep. Sheep से इस तरीके से wool निकाला जा रहा है. Okay, skin से तरह से एक trimmer को use किया जाता है जिससे
इस शीप के स्किन पर से वुल जो है निकाल लिया जाता है, देन अगेन शीप के बॉडी पर वापस से वुल आ जाते हैं. ओके, इससे क्या होता है कि शीप को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, वो एक जैसे कि आपके सर पे बाल उगते हैं, आप कटवा लो वापस आ जाते हैं. सिमिलरली शीप के ऊपर भी फर होता है जिसे काट देने के बाद वो वापस चले जाते हैं. ओके, देन दिस इज वुल. ओके, आफ्टर कटिंग एंड देन दिस इज वुल फाइबर. ओके, वुल टेक्सटाइल और यू कैन से वुल फाइबर. ओके, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर मेड विथ वुल. ओके, सच लाइक स्वेटर, वुलन कैप्स, वुलन ग्लव्स, ओके एटसेट्रा, मफलर्स. सो दिस वॉज द प्रोसेस ऑफ वुलन क्लोथ्स. ओके, नेक्स्ट इज सिल्क. सिल्क क्लोथ्स, दिस इज सिल्क वॉर्म. ये क्या है? सिल्क वॉर्म है. ओके, एंड दिस इज सिल्क. ये क्या है? ये है सिल्क आपका. ओके, और सिल्क के कपड़े कुछ इस तरह के से होते हैं. दिस इज सिल्क फाइबर. सिल्क फाइबर, ओके, यू कैन सी हाउ शाइनी इट इज, हाउ ब्यूटिफुल इट इज. ओके, दिस टाइप ऑफ शाइनी क्लोथ्स आर सिल्क. देन द फाइबर इज यूज टू मेक साड़ीज. ओके, सिल्क साड़ीज आर वेरी फेमस इन इंडिया. ओके, इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, इन द वर्ल्ड. सिल्क साड़ीज, ओके, यूज टू मेक सिल्क साड़ीज और सिल्क शर्ट्स. ओके, शर्ट्स भी बनते हैं इसके. जनरली सिल्क फाइबर इज यूज टू मेक पार्टी वेयर्स. पार्टी वेयर्स बनते हैं सिल्क के कपड़ों पे. वी डो नॉट यूज टू वेयर क्लोथ्स इन डेली लाइफ. सच क्लोथ्स वी यूज इन पार्टी वेयर. ओके, एज अ पार्टी वेयर. ओके, सो वी विल टेक अ लुक एट माइंड मैप ऑफ नेचुरल फाइबर्स. ओके, देर आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स. टू टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स. ओके, फर्स्ट वन इज प्लांट बेस्ड एंड द सेकेंड वन इज एनिमल बेस्ड. ओके, प्लांट बेस्ड कौन कौन से हो गए आपके? प्लांट बेस्ड हो गया आपका कॉटन एंड जूट. ओके, कॉटन एंड जूट हो गया. और एनिमल बेस्ड आपका क्या हो गया? आपका हो गया वुल एंड सिल्क. ओके, ये हो गया आपका एनिमल बेस्ड. ओके, नाउ वी विल लुक एट मैन मेड फाइबर्स. फाइबर्स मेड बाय मैन. ओके, क्रिएटेड बाय ह्यूमंस. फाइबर्स दैट आर मेड बाय ह्यूमंस आर कॉल्ड मैन मेड फाइबर्स. वैसे फाइबर जिनको इंसानों ने बनाया है उन्हें हम मैन मेड फाइबर्स कहते हैं. नाइलॉन एंड रेयन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैन मेड फाइबर. मैन मेड फाइबर के एग्जाम्पल्स कौन कौन से होंगे? नाइलॉन एंड रेयन. ओके, योर टीचर कुड आस्क टू एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स एंड नेचुरल एंड मैन मेड फाइबर्स और प्लांट बेस्ड फाइबर, प्लांट बेस्ड नेचुरल फाइबर और प्लांट बेस्ड फाइबर एंड एनिमल बेस्ड फाइबर. ओके, यू कैन गिव द टू एग्जाम्पल्स फ्रॉम एनी ऑफ दिस. ओके, आपके पास, आपको हमने हर कैटेगरी में दो दो एग्जाम्पल्स दे दिए. दीज फाइबर्स आर ऑल्सो यूज टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स. इन फाइबर्स को भी क्लोथ्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स बनाने में यूज किया जाता है, जस्ट लाइक नेचुरल फाइबर्स. ओके, लाइक जैसे कि लाइक शर्ट्स, कुर्ता पजामा, सलवार सूट, ओके एक्सेट्रा. इन फाइबर को भी डिफरेंट टाइप की चीजें, डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स बनाने में यूज किया जाता है. ओके, नाउ वी विल टेक अ लुक एट क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन. मीन्स क्लोथ्स वी वेयर इन डिफरेंट सीजन्स. क्लोथ्स वी वेयर इन डिफरेंट सीजन्स. ओके, क्लोथ्स वी वेयर इन डिफरेंट सीजन्स. वी वेयर क्लोथ्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स और फाइबर्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स. हम लोग डिफरेंट सीजन में डिफरेंट तरह के क्लोथ्स पहनते हैं. ओके, इन समर वी वेयर कम्फर्टेबल, वी फील कम्फर्टेबल इन लाइट कॉटन क्लोथ्स. ओके, गर्मी के दिन में हम बहुत ही हल्के कपड़े पहनना चाहते हैं, बहुत ही कम्फर्टेबल कपड़े पहनना चाहते हैं, तो कौन से कपड़े हम पहनते हैं? कॉटन क्लोथ्स. ओके, इन समर वी यूज टू वियर कॉटन क्लोथ्स. सच क्लोथ्स कीप आवर बॉडी कूल. इनसे क्या होता है? ये हमारा बॉडी जो होता है वो कूल रहता है. ओके, उससे हवा जो है बहुत ईजिली पास होती है, जिससे हमारा बॉडी होता है वो कूल रहता है. ओके, वी ऑल्सो यूज सन ग्लासेज, हैट्स एंड अम्ब्रेलाज टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम सनरेज. खुद को हम सनरेज से बचाने के लिए डिफरेंट एक्सेसरीज भी यूज करते हैं.
जैसे कि लाइक सनग्लासेस, हैट्स, अम्ब्रेलास. ओके, वी वेयर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर सीजन. विंटर सीजन में हम क्या पहनते हैं? वुलन क्लोथ्स पहनते हैं. ओके, वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म. वुलन क्लोथ क्या करता है? हमें गर्म रखता है. वी वेयर स्वेटर्स, जैकेट्स, लॉन्ग कोट्स, वुलन सॉक्स, मफलर्स एंड हैट्स. ओके, वुलन क्लोथ्स के, वुलन फाइबर में क्या क्या बनता है? स्वेटर हम यूज करते हैं, जैकेट हम बनाते हैं, लॉन्ग कोट्स हम पहनते हैं, वुलन सॉक्स, मफलर, हैट्स, ग्लव्स. ओके, सो दीज क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ वूल. इन रेनी सीजन द वेदर इज वेट. रेनी सीजन में क्या होता है? वेदर जो होता है वो गीला होता है, बहुत ही मॉइस्चर से भरा होता है, फुल ऑफ मॉइस्चर होता है. क्लोथ्स टेक टाइम टू ड्राई अप. आप कपड़े धो दो या कपड़े जो गीले हो जाते हैं बारिश में, गीले हो जाने से क्या होता है, वो सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. सो वी वेयर क्लोथ्स मेड ऑफ रेयन एंड नायलॉन. ओके, रेयन और नायलॉन से बने हुए हम क्लोथ्स पहनते हैं रेनी सीजन में. ओके, रेयन एंड नायलॉन आर मैन मेड फाइबर्स. दीज आर मैन मेड फाइबर्स. ओके, इन समर एंड इन विंटर वी वेयर नेचुरल फाइबर्स एंड इन रेनी सीजन वी वेयर मैन मेड फाइबर्स. ओके, समटाइम्स इट इज नॉट नेसेसरी. ओके, दीज क्लोथ्स ड्राई अप वेरी फास्ट आफ्टर बींग वॉश. ऐसे जो क्लोथ्स होते हैं वो बहुत ही जल्दी सूखते हैं धुल जाने के बाद. ओके, धुलने के बाद ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि बिकॉज पानी जो होता है वो वाटर डज नॉट गेट सोक्ड इन टू इट. इट्स देयर फाइबर डज नॉट सोक वाटर. इनके फाइबर क्या होते हैं? वो जो पानी को सोखते नहीं है. डैट्स वाई क्या होता है, ये जल्दी सूख जाते हैं, पानी ऊपर से लेयर से ही निकल जाता है. वी ऑल्सो यूज अम्ब्रेला, गम्बूट्स एंड रेनकोट्स टू स्टे ड्राई. ओके, वेन वी गो आउट इन द रेन. जब भी हम बारिश में जाते हैं तो हम अम्ब्रेला को यूज करते हैं, गम्बूट्स यूज करते हैं. ओके, रेनकोट्स यूज करते हैं जब भी हम बाहर जाते हैं. ओके, दीज थिंग्स आर मेड ऑफ रबर एंड प्लास्टिक. ये चीज़ें किससे बनी होती हैं? ये चीज़ें बनी होती हैं रबर या प्लास्टिक से, जिससे कि क्या हो, जिससे कि हम गीले ना हो सकें. रबर एंड प्लास्टिक डज नॉट सोक वाटर. ओके, दीज थिंग्स डज नॉट सोक, डू नॉट सोक वाटर. ओके, डू नॉट सोक वाटर. ओके, दीज वर द थिंग्स डैट वी वेयर इन रेनी सीजन. So now that's all for today. In today's chapter, we have a study about how clothes are made, why do we need clothes, or why clothes are important for us. Okay, making of clothes, how clothes are made, made up of clothes are made up of different fibers. Okay, different तरह के fibers से मिलकर के बना होता है. What is fiber? Okay, how clothes are made? Natural fiber, man-made fiber, plant-based fiber, animal fiber, and clothes we wear in different seasons. Okay, so now that's all for today and see you in the next chapter. If you like the video, please hit the like button and share with your friends. Okay, thank you for watching and have a nice day.